हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कश्मीरी चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है, जिसको मैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट से मैरिनेट करूँगी। और मैं डालूँगी साथ ही सॉल्ट, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर जिसे कहते हैं, और इसे मैं करूँगी अच्छे से मिक्स। इसको करीब मैं 1-2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। सॉरी, मैं हल्दी डालना भूल गई थी। इसमें डालूँगी 1 टीस्पून के करीब हल्दी और इसमें करूँगी अच्छे से मिक्स। मैं अपने हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसको मैं करीब 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। अब मैं कढ़ाई गरम करने के लिए दूँगी, उसमें मैं डालूँगी रिफाइंड ऑयल। और मैं जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है, मैं उसको फ्राई कर लूँगी। मैं ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, हल्का सा दो तरफ होकर शैलो फ्राई जैसा मैं कर लूँगी। जैसे हमारा एक तरफ फ्राई हो जाएगा, मैं उसको दूसरी तरफ पलट दूँगी। बस हल्का हल्का दोनों तरफ से हम उसे फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नए नए रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरा चिकन थोड़ा थोड़ा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको हल्का ही फ्राई करूँगी। बाकी जो मेरे ग्रेवी बनाऊँगी उसमें वो पकेंगे। ये हाफ डन ऑलरेडी हो चुके हैं, 60% वो यहीं पे कुक हो चुके हैं। मैं इसको एक प्लेट में निकालूँगी। अब मैं उसी तेल में अनियन, मैंने 2 अनियन बड़े बड़े काट के रखे थे, वो मैं इसे डाल दूँगी। आप चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं, मैंने थोड़ा सा जूलियन टाइप्स काटा है। और इसको मैं अच्छे से फ्राई होने दूंगी। जैसे ही हमारा अनियन थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट, हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और मैं इसमें 1 टेबल स्पून के जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। याद रहे मैं 1 टेबल स्पून मैरिनेट के लिए भी डाला था, और मैं बाकी का यहाँ पे डाल रही हूँ। अब मैं डालूँगी इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर और उसको मैं करूँगी अच्छे से मिक्स। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई होने देंगे ताकि जब तक इसे रॉस मिल ना चला जाए। ये है कसूरी मेथी, और मैं इसमें कसूरी मेथी इसको हल्का सा क्रश करके मैं डाल दे रही हूँ। ये दही, हाफ कप मैं दही डाल रही हूँ इसमें और उसको करूँगी अच्छे से मिक्स। दही डालने के बाद मैं गैस का फ्लेम बिल्कुल सेम पे कर दूँगी और उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये मैंने काजू पेस्ट किया तैयार किया था, वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। मैं करीब 7 से 8 काजू के पेस्ट, काजू को पेस्ट कर लिया था पानी डालकर, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और मैं गैस का फ्लेम अभी भी सिम पे रखूँगी और उसको अच्छे से फ्राई करूँगी। सो तब तक मैं फ्राई करूँगी जब तक इसमें ऑयल ना छोड़ दे। देखिए ये ऑयल हल्का हल्का छोड़ने लगा है। इसका मेन इन्ग्रीडियंट अभी बाकी ही है, इसलिए फ्लेवर ऑयल। ये है 1 कप दूध। ये इसके ग्रेवी के टेक्सचर को बिल्कुल चेंज कर देगा। 1 कप दूध मैं इसमें डाल दी हूँ। आप चाहें तो इसमें पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर एक बार दूध का इसको यूज़ करके देखें, ग्रेवी का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब मैं इसमें फ्राई किए हुए जो चिकन थे वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी। चिकन हमारा हाफ डन था, ये थोड़ा सा और ग्रेवी में पक जाएगा। इसको मैं ढक के पकाऊँगी 5 मिनट। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, इसको अच्छे से बॉयल हो गया है हमारा चिकन। अब अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसको सर्व कर दूँगी। देखिए ये ऐसा बन के तैयार होगा। एक बार इसे रोटी फुलके के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा।